back to my youtube channel today in this video we will discuss about a new chapter that is healthcare delivery system so without wasting any time let's begin our video सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है ठीक है सो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमें कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि हमारी हेल्थ रिलेटेड जो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स होती है उसे मीट कर सके फुलफिल कर सके ठीक है सो वॉट इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इट इज अ मकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट मीट द हेल्थ रिलेटेड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ प्रमोशन उसकी डेफिनेशन क्या है ठीक है सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन इज दैट इट एम्पावर्स पीपल टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ मतलब क्या हुआ हेल्थ प्रमोशन क्या है उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि वो कैसे हेल्थ को प्रमोट करता है ठीक है तो उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो क्या करता है पीपल को एम्पावर करता है कि वो कैसे अपनी हेल्थ को कंट्रोल और इंप्रूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ प्रमोशन ठीक है नेक्स्ट इसमें आता है कि हेल्थ प्रमोशन एम्स टू एनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव दिविंग सर्कमस्टांस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्थ मतलब कि हेल्थ प्रमोशन क्या है उसका एम क्या है हेल्थ प्रमोशन का एम है कि वो एनहेंस करता है कि जो हर एक इंडिविजुअल्स है उसका पार्टिसिपेशन ताकि वो इम्प्रूव कर सके लोगों की हेल्थ को ठीक है उनके हेल्थ के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको और जो उनकी लिविंग सर्कमस्टांसेस है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प uh, कर सके तो ये इसका एम है हेल्थ प्रमोशन का ठीक है ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ है और ये हमें नाइनटीन एटी सेवन एटी सिक्स में दी गई थी ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ इलनेस जिसे हम डिजीज प्रिवेंशन भी कहते हैं ठीक है सो डिजीज प्रिवेंशन से हमारे पास एक वर्ड आता है जो कि है प्रिवेंशन प्रिवेंशन क्या होता है अब ठीक है सो इट इज डिफाइंड एज एनी एक्शन टेकन टू कीप पीपल एंड एंड वेल प्रिवेंट और अवॉइड रिस्क ऑफ पुअर हेल्थ इलनेस इंजरी एंड अर्ली डेथ मतलब क्या हुआ प्रिवेंशन क्या है इसे डिफाइन किया गया है ये कुछ ऐसे एक्शन है जो कि लिए जाते हैं क्यों ताकि जो लोग हैं उन्हें हम हेल्दी वेल वेल मेंटेन रख सके उनकी हेल्थ को ठीक है इसमें क्या करते हैं हम उन्हें प्रिवेंट कर रहे हैं या उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी हेल्थ को जो पुअर कर देते हैं उसे हम अवॉइड कर रहे हैं ठीक है जो उनकी इलनेस है इंजरी है या अर्ली डेथ के जो भी कॉजेज हैं जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हम उसे अवॉइड कर रहे हैं या उनसे उनको प्रिवेंट कर रहे हैं सो so, वो क्या होता है प्रिवेंशन होता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में जो कि हमारे पास फोर टाइप्स के हैं ठीक है प्राइमोजियर प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन लास्ट इज टर्सरी प्रिवेंशन सो वन बाई वन इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ठीक है

मतलब यूज करते हैं हेल्थ एजुकेशन जो कि हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं गुड फूड एंड न्यूट्रिशन हम लोगों को कहते हैं ताकि वो इनटेक कर सके और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके ठीक है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज ताकि उनकी जो बॉडी है वो फिजिकली फिट रह सके प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग यूज कि ड्रग यूज और एल्कोहल से हम प्रिवेंट कर सके ताकि उनके जो बॉडी ऑर्गन है सिस्टम्स है उन पर कोई हार्म ना हो ठीक है एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी जो फाइनेंशियली उनकी जो है उसकी सिक्योरिटी को वो एंश्योर कर सके ठीक है इसमें जो भी एक्शंस होते हैं उसका एम क्या है एम है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रिस्क फैक्टर्स जो भी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स है उसकी डेवलपमेंट से प्रिवेंट करना जो उसको उसके रिगार्डिंग हम जो एक्शन लेते हैं वो प्राइमोडियल के अंदर आते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है action taken prior to the onset of disease, which removes the possibility that the disease will ever occur. मतलब क्या हुआ प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब यह है कि वो एक्शंस वो प्रायर एक्शंस जो हम लेते हैं डिजीज के ओन सेट से ऑनसेट पे ठीक है मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं इसके अंदर हम जो डिजीज के एवर अक्कर मतलब कभी भी होने वाले जो चांसेस होते हैं पॉसिबिलिटीज होती है उसको रिमूव कर देते हैं ठीक है एक्शन विच एम टू मॉडिफाई एक्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इसके अंदर जो एक्शंस होते हैं उसका एम क्या होता है कि हमने जो एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स है उनको मॉडिफाई कर देना ताकि हम हमारे जो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज है उससे प्रिवेंट कर सके ठीक है स्ट्रेटेजीज क्या आती है इसके अंदर इसके अंदर स्ट्रेटेजीज आती है कि इन्वायमेंटल मॉडिफिकेशन हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस जो पर्सन है उसके लाइफस्टाइल में उसके बिहेवियर में चेंजेस हमें दिखते हैं गुड स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन उसके न्यूट्रिशनल चेंज हो जाते हैं कि उसके न्यूट्रिशन के गुड स्टैंडर्स आ जाते हैं ठीक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हेजार्स एंड एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स और ऑक्यूपेशनल हजार्स जो होते हैं उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं हेल्थ को प्रमोट करते हैं एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है इट इंक्लूड्स अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या आता है अर्ली डायग्नोसिस आते हैं और ट्रीटमेंट आता है फोकस इज ऑन द डिजीज ट्रीटमेंट इसमें हम क्या करते हैं कि डिजीज के ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं ऑल्सो शो प्रोग्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ हम इसमें क्या करते हैं जो प्रोग्रेशन होती है मतलब जो डिजीज की प्रोग्रेशन है उसे हम स्लो डाउन कर देते हैं और हम हेल्थ को रिस्टोर कर रहे होते हैं ठीक है इसके बाद आता है डायग्नोजिंग द डिजीज इन अर्ली स्टेज एंड देन प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग इज द मेन पर्पज मतलब क्या इसमें मेन पर्पज क्या हुआ सेकेंडरी प्रिवेंशन में कि हमने क्या करना है डिजीज को डायग्नोज कर लिया अर्ली स्टेज पे आफ्टर दैट हम उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस डिजीज के अकॉर्डिंग वो इसका मेन पर्पज है ठीक है नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो प्रिवेंशन है वो है टर्सरी प्रिवेंशन वो क्या होता है when a disease has occurred and caused damage in the body leading to impairment and disability matlab kya hua ki tertiary prevention kya hai ek aisa hai jab ki jo hamari disease hai वो अक्कर हो चुकी है किसी person की body में After that वो क्या कर रही है उसकी जो body है उसे damage कर रही है cause damage, ठीक है

कॉम्प्लिकेशन रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी की लिमिटेशन uh, को एडजस्ट कर रहे होते हैं उनसे प्रिवेंट कर रहे होते हैं और इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं ठीक है स्पेशलाइज केयर एंड आर इसके अंदर केयर और कुछ मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व है, होते हैं मॉडिलिटीज इन्वॉल्व होती है सो आज की वीडियो में इतना ही था आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो क्या होता है हमने फिर हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन देखी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जो आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया डिजीज प्रिवेंशन और लेवल्स ऑफ इलनेस को ठीक है जिसके अंदर हमने प्रिवेंशन की डेफिनेशन देखी कि इसमें हम क्या करते हैं और लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में हमने फोर टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन को इन ब्रीफ पढ़ा जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन थे सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय